माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पुलिस विभाग, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे पुलिस हो, इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जाता है? जिनके पर देश के अंदर इनके पर सुरक्षा व्यवस्था कंधों पर लाद दी गई है, आपकी रक्षा करते हैं, और इसके बाद इनको अनदेखा किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एकदम सरासर इन लोगों के साथ अन्याय है। ये जुर्म एक हिसाब से इनके साथ महा अन्याय किया जा रहा है। तो चाहे पुलिस हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे होमगार्ड, इसके प्रदेश में इसकी जोरदार आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सबके सबसे अग्रणी पंक्ति में हैं। अगर कुछ होता है तो पहले आपका अनहित होगा, बाद में पीछे वालों का हो या ना हो। तो सबसे पहले गिनती में आना चाहिए होमगार्ड, पीआरडी और पुलिस का। तो इनको हटा के दूसरी लाइन का देख लिया जाता है, इनको उस लाइन में, पहली वाली लाइन गिनती में क्यों नहीं नाम लिया जाता है? जब कुछ देने का होता है तो इनको आगे कर दिया जाता है, जहाँ पर जान जाने को होता है तहाँ पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी को अड़ा देते हैं, और जहाँ देने को होता है तो वो इनको छोड़ के और लोगों को बांट देते हैं। ये ऐसा क्यों, ये कौन सा कसूर कर डाले है होमगार्ड, पीआरडी और ये पुलिस? हम माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी, पुलिस और होमगार्ड डीजी और प्रमुख सचिव और पीआरडी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इनके लिए क्या आप लोगों को सिफारिश नहीं करना चाहते हैं, करना चाहिए? क्योंकि कल अगर चुनाव के लिए हथियार डाल देते तो सरकार मजबूर हो जाती। तो इन्होंने आपके आदेश की पालन किया, लेकिन इनको फिर देने के नाम पर इनको क्यों अलग कर दिया जाता है? ये बहुत गलत है। इसकी आवाज़ एसोसिएशन उठाएगी और ऊपर तक ले जाएगी, और एमा एक अब समय वो आ गया है कि पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी एक होके अपना हक अधिकार की मांग की आवाज़ उठाएं और लिखित सरकार को भेजें। मैं लिखित भेजूंगा सरकार को, इनको क्यों सबको दिया गया 25% बढ़ोतरी की गई वेतन में, फिर होमगार्ड, पीआरडी, पुलिस का क्यों नहीं ये 25% वेतन में बढ़ाया गया? ये अन्याय नहीं है? जहाँ जान देने का होता तहाँ पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस को लगा देते हैं, कुछ देने को होता तो इनको हटा के अलग करके दूसरों को बांट दिया जाता है, जबकि अधिकार पहले इनका बनता है, इनको दिया जाए फिर औरों को दिया जाए। तो ये प्रदेश के जवान, चाहे वो होमगार्ड का जवान हो, चाहे वो पीआरडी के हो, चाहे पुलिस के हैं, हो कांस्टेबल हो, आप लोग आवाज़ उठाइए, एसोसिएशन बढ़ चढ़ के आगे जाएगी और सरकार को अवगत भी कराएगी। आप लोग मीडिया का सहारा लें, सरकार तक पहुंचाएं, और इसके लिए बुलंद आवाज़ कर कीजिए। होमगार्ड, पीआरडी, पुलिस कांस्टेबल सभी लोग इसकी आवाज़ उठाएं, अपने हमारे साथ अन्याय क्यों, ऐसा क्या मैंने गलती कर दिया है? हम हर जगह सरकार और अधिकारियों की आदेश का पालन करते हैं, जनता और सरकार की रक्षा करते हैं, फिर हमें देने के नाम हमें अनदेखा क्यों कर दिया जाता है? इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। आप लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा, ये अन्याय होमगार्ड एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।